आप लोग की इंसिस्टेंस थी कि पंजाब में लाहौर में घर बनाया जाए, तो अल्लाह ने कर्म किया, मैंने घर बना लिया है। अब मसला सिर्फ ये है कि वहाँ आपसे मुलाकात नहीं होती, आप कहते हो बहुत दूर है। और मेरा मसला ये था कि उतनी कीमत में वहीं मिल सकता था, यहाँ प्रॉपर्टी अंडर इनर लाहौर में बहुत महंगी है। तो मैंने पुराने ज़माने में वहाँ उनके साथ प्लॉट्स ले लिए थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, आ तो गया हूँ, थोड़ा सा दूरी सही, तो आप ज़रूर आया करें, मिला करें, आपसे मुलाकातें रहें, तो कुछ आपसे सीखना हो सीखता रहूँ तो अच्छा रहेगा। आजकल के सर्कमस्टांसिस में आपको तो याद होगा कि सऊदी अरेबिया से भी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी दोस्ती रखी थी शाह फैसल से, आपको याद होगा। मेरी उम्र के लोगों को याद होगा, बाकी बच्चों को याद नहीं होगा, तो वो नेट पे है, निकाल लें। और उस इस्लामी कॉन्फ्रेंस कराई थी लाहौर में ही, और हर इस्लामी मुल्क से दोस्त आए थे, कदाफी साहब भी आए थे, ईदी अमीन भी आए थे, ऐसे ऐसे दोस्त आए थे जो अब रहे नहीं दुनिया। तो वी बिलीव इन इस्लाम, हम मुसलमान हैं, और अक्सर हमें हमने मदद की है और उनने भी हमारी मदद की है। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में तो आपको याद होगा कि एग्रेसिवली हमने मदद की है, हमने फिजिकली मदद की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी आज मदद सऊदी ने की है, और चाइना ने भी कमिटमेंट की है, चाइना भी हमारा पुराना दोस्त है, हमने भी उसमें कुछ थोड़ा सा उस गुलदस्ते को दरख्त बनने में हमने भी कुछ पानी डाला है, कुछ और दोस्तों ने डाला है। तो ये लाइफ लॉन्ग दोस्तियाँ हैं, चाइना इज़ अ ऑल टेस्टेड फ्रेंड, ऑल टाइम टेस्टेड फ्रेंड। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये दोस्ती हमारी और भी जवां होगी और बढ़ती रहेगी, मगर इससे काम नहीं चलेगा। इनका जो ख्याल है और इनकी जो सोच है और मैनेजमेंट का तरीका है, एग्रेशन है। अब असल इशू मुझसे है, वो पकड़ते हमेशा मेरे दोस्तों को है। लास्ट टाइम एक दो बंदे मेरे उठा लिए, तो मालूम पड़ा कि उनको लेटली मैं फ़ोन कर रहा था। एक को इसलिए फ़ोन कर रहा था कि वो फसल का पूछता था कि भाई फसल कैसी जा रही है, कैसा पानी चल रहा है। दूसरे को इसलिए पूछता था कि उससे मैं औताक बनवा रहा था टंडल लैब, तो उन्हीं को उठाया गया। अब एक ग्रुप है सिंध में जिसको मैंने सपोर्ट की है सिंध में इंडस्ट्रियलाइजेशन करने में, उनके ऊपर एक क़यामत इन्हें ढा दी है। उनके लिए क़यामत है, हमारे लिए तो कोई बात नहीं है, बिकॉज उनने कभी जेल नहीं देखे, उन्होंने कभी ये नैब्स नहीं देखी। और बेकार का ट्रेडिंग अकाउंट्स को कहते हैं कि ये जी ये तो क्या अकाउंट है, जाली अकाउंट है, जाली अकाउंट है, या और 100 रुपया इधर गया, 100 रुपया उधर आया, तो 200 रुपये हो गए ना। तो इस तरह वो काउंट करते हैं। और मैंने इलेक्शन के दौर में देखा कि ये हर तरफ से मुझ पर क्यों हमला कर रहे हैं। सिंध की तो कोशिश इन्होंने पूरी कर ली कि हमसे हुकूमत छीनी जाए, वो तो खैर मौलाना करे, इंसान क्या कर सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमसे ना छीन सके। तो मेरे को अब समझ आ रही है कि ये 18th अमेंडमेंट का झगड़ा है, और 18th अमेंडमेंट में ये समझते नहीं कि मैं करना भी चाहूं तो बलूचिस्तान नहीं मानता, केपी नहीं मानता, पंजाब नहीं मानता, सिंध नहीं मानेगा। सबसे ज़्यादा एडवांटेज उसका पंजाब को है, पॉपुलेशन आपकी ज़्यादा है, आपको एडवांटेज हुआ है, आपके यहाँ पैसा ज़्यादा है, इसलिए शहबाज साहब खर्च कर चुके हैं। तो हर चीज़ को एक सोच से किया जाता है। हमने बलूचिस्तान को आगाज़ हकूक बलूचिस्तान इसलिए करवाया कि हमें पता है कि इंडिया अमीर हो चुका है और वहाँ इंसर्जेंसी है, आप ना मानो मगर इंसर्जेंसी है।
अगर हमने पश्तूनों को केपी का नाम दिया है तो उनको शनाख्त दी है तो उसकी जरूरत थी, पश्तून शनाख्त मांगता था, उसको आज तक मिली न थी। तो हर चीज हमने एक सोच के दायरे में रह के उस सोच से की है, कोई ऐसे नहीं है कि मैंने बगैर सोच के बगैर समझ के। और हमारा 30 साल का यही तो एक्सपीरियंस है सियासत, और पैदा भी सियासी खानदान में होते हैं, जाते भी सियासी परचम के तले हम दफन होते हैं। तो आप, मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह आपका काम नहीं है, यह हमारा काम है। पार्लियामेंट को छोड़ दें आप, हम लड़ झगड़ के खुद कर लेंगे इंशाल्लाह। मैं सोचता हूं, उम्मीद रखता हूं अल्लाह की तरफ से बेहतर होगा और हम पाकिस्तान को इन शिकंजों से बचा सकें। अभी मैं अबाउट टर्न को क्या कहूँ, मैंने तो मुलाकात भी नहीं की है सुबह असेंबली में, तो मैं NRO क्यों मांगू? मैंने तो मुशर्रफ से NRO नहीं मांगा, वो तो उसकी जरूरत थी। बेटा मेरे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इसराइली जेट पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड किया है, मगर ये कह दूँ कि कोई चीज़ नामुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। और PLF की अगर रिपोर्ट है और PLF का अगर रेजोल्यूशन है तो जाहिर सोच है कि 81 तो पीपल्स पार्टी की सोच की है। थैंक यू। हम इतने इंटरेस्टेड नहीं हैं इन हुकूमतों को गिराने के लिए और इनके मसले अपने गले में डालने के लिए। हम चाहते हैं कि ये हुकूमत करके खुद थके। आप हैं कहाँ इतने दिन से? भाई एक पहले लाडला था, एक आप आज लाडला है। मेरा ख्याल ये वाला चलेगा, इसलिए कि इसके पास कुछ नहीं है। आप कब तक लाडले हो जाएंगे? मैंने कभी कोशिश ही नहीं की। ये तो जब आए मिलेंगे बात करेंगे तो उस पर एजेंडा सेट होगा तो बात कर सकेंगे ना। यार मैं गिरफ्तार होता रहा हूँ, कोई नई बात तो नहीं होगी ना। अगर आपने सुबह को अखबार में पढ़ा कि मुझे शाम को गिरफ्तार कर लिया तो क्या नई बात होगी? ये तो नहीं होगी ना। सॉरी आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन। नहीं, आपके लिए नहीं कहा, आप समझे ही नहीं, आप समझे ही नहीं, ये नहीं पूछ रहे हैं, वो समझे ही नहीं और आप समझ रहे हैं। आप प्लीज सर, यार कोई अच्छी जगह की तो बात करो, दुबई भी कोई जगह है। नो, दिस इज योर सेकंड क्वेश्चन। नो नो प्लीज, औरों को मौका दे। जी जी, आप ये बताइएगा कि आपका लाहौर में कितने कैंप हैं, मियां साहब इधर
आई डोंट नो कि यहाँ मुलाकात हो सकती है या नहीं, मगर अगर वो आएंगे एपीसी में तो मुलाकात जरूर होगी। दे दिया आपने जी। इंद्रदास साहब, मेरा सवाल ये है कि आप सबका दौर में बड़ी अच्छी हुकूमत की आपने, पर सो सके आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से हमारी जान नहीं छुटी, और पूरी हमारे भाई ने पहले भी सवाल किया, यही सवाल हम कह रहे हैं कि साफी भी मजलूम बनाए जा रहे हैं, पॉलिटिशियन भी मजलूम बनाए जा रहे हैं, इसके लिए कोई सोल्यूशन दें आप जिससे ये सारे पाकिस्तानी वहां और हम सब आजाद हो जाए। सोल्यूशन है, अगर कोई सुने तो समझे तो, वो सुनते नहीं थे ये समझते नहीं है। जी बेटा, डोंकी किंग ना बड़ा चर्चा है, मैंने सुनी है, मैंने देखी नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल मैं देख लूँ।